देखिए जन्माष्टमी का त्यौहार तो आपने और हमने धूमधाम से मनाया ही, लेकिन त्यौहार के बाद भी इसकी छाप साफ छोटे पर्दे पर दिखाई देती है। जी हाँ, कृष्णा जी के आते ही मानो हर जगह हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां और इतना सारा प्रेम एक दूसरे को देने के लिए मिलता है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं अबीरा और अरमान की रास लीला दिखाने के लिए। अबीरा और अरमान की जिंदगी में आज डबल सेलिब्रेशन हो रहा है। एक तरफ जन्माष्टमी मना रही हैं, तो दूसरी ओर राधा मोहन बनकर प्यार की रासलीला रंग ला रही है। अब इनकी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इन दोनों में इतना प्यार उमड़ रहा है कि ये कुछ दिन भी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब ये बात भी तो सच है कि दोनों को अभी अभी प्यार हुआ है और इस प्यार का एहसास ये महसूस कर रही हैं, तभी तो एक दूसरे की बाहों में खोने का मन कर रहा है अबीरा और अरमान का। घर वाले भी आज इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो भी जानते हैं कि प्यार के फुर्सत वाले पल इन्हें अभी अभी नसीब हुए हैं। दोनों के लिए ये बहुत ही कीमती पल है। वहीं परिवार की खुशी भी एकदम सातवें आसमान पर है। जन्माष्टमी की पूरी तैयारी अबीरा के कंधों पर है और यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है जो कि अबीरा को लगता है रूही ने की है, लेकिन वो गड़बड़ फिलहाल ऐसे ही हो गई है, उसमें रूही का कोई हाथ नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो सारा सब कुछ स्पॉइल किया है वो रूही ने ही किया है। बाद में पता चलता है कि उन्होंने नहीं किया, बट मुझे इस वक्त उन पे ही शक हो रहा है क्योंकि हर गलती का उनके पास सलूशन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक शुभ अवसर है और सब लोग बाल गोपाल की पूजा कर रहे हैं, घर में बहुत सारी सजावट की है अबीरा ने, कुछ उससे भूल चूक हो गई है, वो रूही ने कवर अप कर ली है, बट ये सब क्यों हुआ है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। अब जन्माष्टमी में जैसा कि आपने प्रोमो में देखा होगा, इस बात को दिखाया गया है कि अक्षरा जो भजन गाया करती थी वही भजन अबीरा ने भी गाया है। उस भजन को सुनकर रूही के घर वाले चौंक जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर कोई खुलासा नहीं होगा। अबीरा सबसे ये कहेगी कि उसने मंदिर में ये भजन सुना था। अब न जाने क्यों अबीरा झूठ कहेगी, जबकि ये भजन उसे उसकी माँ अक्षरा ने सिखाया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।